Good morning everyone. So today we are starting at joint operator. So at joint operator क्या होता है उसके लिए पहले थोड़ा सा एक प्रोसेस है कि हम कैसे उसको फाइंड करते हैं, फिर हम उसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्या है. सो हमने एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर टी कंसिडर किया जो कि एक नॉर्म स्पेस से दूसरे नॉर्म स्पेस तक जाता है. सो टी इज़ फ्रॉम एक्स टू वाई वर एक्स एंड वाई आर नॉर्म स्पेसेस, एक्स और वाई दोनों नॉर्म स्पेसेस हैं. And we want to define the adjoint operator tx of t. t का adjoint operator tx हम लोग define करना चाहते हैं. For this purpose we start from any bounded linear functional g on y. किसी भी bounded linear functional g से हम start करेंगे. Clearly g is defined for all y belongings to y. क्योंकि y क्या है, नॉर्म स्पेस है, तो नॉर्म स्पेस के लिए हम y के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल डिफाइन कर सकते हैं. तो हमने क्या सेट किया, y को टी एक्स, देन वी ऑब्टेन अ फंक्शनल ऑन x से f. अगर हम y को टी एक्स सेट करते हैं तो x के ऊपर हमें एक फंक्शनल मिलेगा, उसको हमने नेम दे दिया किसका, f का. And let's say f of x is equals to g of tx for all x belonging to x. इसको हमने दिया name equation number 1. Now since g and t are linear, अगर g और t दोनों linear हैं तो f कैसे बना इन दोनों की composition से, तो f भी linear होगा. Also अब ये जो mod of f of x होगा, क्योंकि f of x क्या है, g of tx, so g of tx का mod हमने लगा दिया, और इसका mod किससे less होता है, नॉर्म ऑफ जी इंटू नॉर्म ऑफ टी एक्स, और नॉर्म ऑफ टी एक्स को फिर से ओपन करो तो दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स. सो ये एक्सप्रेशन किस टाइप का है, इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता लगा कि ये जो एफ है ये बाउंडेड है, तो एफ लीनियर भी है और एफ बाउंडेड भी है. सो टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स ऑफ द नॉर्म वन, तो अगर नॉर्म वन से हम सुप्रीमम लेंगे तो ये मॉड f ऑफ x नॉर्म ऑफ f बन जाएगा, और इधर नॉर्म ऑफ g नॉर्म ऑफ t और नॉर्म ऑफ x इज 1, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली नॉर्म ऑफ g इनटू नॉर्म ऑफ t, एंड लेट्स से दिस पे इक्वेशन नंबर 2. तो अगर आप इसको देखें तो क्या ये ड्यूल स्पेस वाले डिफाइन नहीं बन रही है, सो दैट मीन्स दिस f बिलोंग्स टू ड्यूल स्पेस ऑफ x. सो f बिलोंग्स टू x डैश वेयर x डैश इज ड्यूल स्पेस ऑफ x. And also by assumption, G belongs to y dash. G y के dual space से belong करता है क्योंकि G is a bounded linear operator defined on y. तो ये कहाँ जाएगा, dual space of y में. So consequently, for a variable G belongings to y dash, जब हमने एक element लिया किसका dual space of y से, तो ये जो formula 1 था उसने हमें क्या दिया, this defines an operator from y dash to x dash which is called adjoint operator of t and is denoted by tx. So thus we have x से y पे जो operator काम कर रहा था that is t, और अभी जो हमने define किया tx, वो tx कहाँ से है, y dash से x dash तक, and let's say this be equation number 3. तो अब हम define देंगे कि exactly अब define है क्या, अभी तक तो हमने इसका concept पढ़ा. So this is the definition, adjoint operator. So let t from x to y be a bounded linear operator where x and y are norm spaces. Then the adjoint operator tx from y dash to x dash of t is defined by f of x is equals to tx of gx. और ये किसके equal होगा, g of tx. हमने किया था ना equation number 1 से. So let's say this be equation number 4. तो ये थी हमारी डेफिनेशन. अब हम करेंगे इसके ऊपर बेसिक थ्योरम. सो नॉर्म ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर, तो स्टेटमेंट है लेट टी फ्रॉम एक्स टू वाई बी अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर वेयर एक्स एंड वाई आर नॉर्म स्पेसेस. डिफाइन एन एडजॉइंट ऑपरेटर टी एक्स ऑफ टी एंड शो दैट टी एक्स इज लीनियर बाउंडेड एंड नॉर्म ऑफ टी एक्स इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी. तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एडजॉइंट ऑपरेटर है, एडजॉइंट ऑपरेटर लीनियर होता है, एडजॉइंट ऑपरेटर बाउंडेड होता है, और एडजॉइंट ऑपरेटर की नॉर्म सेम होती है जितने की होती है हमारी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जिसका हमने वो ऑपरेटर डिफाइन किया. सो फर्स्ट वी प्रूफ, पहला स्टेप हम प्रूफ करेंगे कि जो टी एक्स है दैट इज़ लीनियर.
तो लीनियर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन वाली वो टर्म्स लिखनी होती हैं और उसको सेपरेट करके स्केलर्स बाहर निकाल के दिखाने होते हैं. सो फॉर दिस लेट जी वन एंड जी टू बिलोंगिंग्स टू ड्यूल स्पेस ऑफ वाई वेयर अल्फा एंड बीटा आर स्केलर्स. तो हमने क्या लेट किया, टी एक्स ऑफ अल्फा जी वन प्लस बीटा जी टू ऑफ एक्स. तो ये जो इसकी डेफिनेशन है बाय इक्वेशन नंबर 4, टी एक्स ऑफ जी एक्स क्या होता है, जी बाहर आ जाता है और ये जो जब अंदर शिफ्ट होता है टी एक्स तो ये टी रह जाता है. तो बिल्कुल सेम देखो, ये वाली टर्म बाहर शिफ्ट हो गई और ये टी एक्स अंदर जाके टी रह गया. ठीक है, देन अब दोनों के ऊपर ये टी एक्स सेपरेटली अप्लाई कर लिया. फिर अगर जैसे मैंने टी को अंदर भेजा था और जी को बाहर किया था, वैसे ही सेम प्रोसेस से मैं क्या करूँ, जी को अंदर भेज रही हूँ और टी को वापस से बाहर पिक करें, तो वो टी एक्स बन जाएगा. सो अल्फा टी एक्स जी वन ऑफ एक्स प्लस बीटा टी एक्स जी टू ऑफ एक्स. सो दिस एम्प्लाइज कि आर टी एक्स इज लीनियर. तो एक चीज़ हमारी प्रूफ हो चुकी है कि ये लीनियर है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव दैट कि ये क्या है, बाउंडेड. सो टी एक्स इज बाउंडेड के लिए हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे. ये हमने पहले भी फाइंड किया है तो मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ. सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ जी इन टू नॉर्म ऑफ टी विद नॉर्म ऑफ एक्स. और हमने पहले भी इसका सुप्रीमम लिया था तो उसका सुप्रीमम ले लो. नॉर्म ऑफ एफ इज लेस देन और इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ जी इन टू नॉर्म ऑफ टी. सो हेंस नॉर्म ऑफ टी एक्स जी, क्योंकि एफ किसके इक्वल है, टी एक्स जी के इक्वल है. सो नॉर्म ऑफ टी एक्स जी इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ एंड नॉर्म ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ जी इन टू नॉर्म ऑफ टी. सो दिस एम्प्लाइज कि नॉर्म ऑफ टी एक्स जी इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ जी इन टू नॉर्म ऑफ टी. सो नाउ टेकिंग सुप्रीमम ओवर ऑल जी बिलोंगिंग्स टू ड्यूल स्पेस ऑफ वाई विद नॉर्म वन वी गेट. तो अब देखते हैं हमें क्या मिलता है. सो ये हमने सुप्रीमम ले लिया, तो ये जो टर्म है ये क्या बनेगी, नॉर्म ऑफ टी एक्स, और ये जो टर्म है ये क्या बनेगी, नॉर्म ऑफ टी. ये तो एज इट इज़ है. एंड लेट्स से दिस बी इक्वेशन नंबर 1, तो हमें ये भी तो प्रूफ करना है कि इन दोनों की जो नॉर्म है वो दोनों इक्वल होती हैं. तो अभी क्या आया कि टी एक्स की नॉर्म लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी है. सो टू प्रूव कि इन दोनों की नॉर्म सेम है, वी आर लेफ्ट टू प्रूव कि अब टी एक्स की नॉर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी. अगर ये प्रूफ कर दिया सो बाय कंबाइनिंग विद इनइक्वालिटी 1 हमें मिल जाएगा कि दोनों की नॉर्म सेम होती है. अब इसको प्रूफ करने के लिए एक स्टेटमेंट यूज़ करनी है. कौन सी स्टेटमेंट है ये आप लोग बताएंगे, हानबनाग थ्योरम है ये. वी नो दैट इफ एक्स इज अ नॉर्म स्पेस एंड एक्स नॉट बी अ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एक्स, देन देयर एग्जिस्ट बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ टिल्डे ऑन एक्स सच दैट नॉर्म ऑफ एफ इज 1 एंड द इमेज ऑफ एक्स नॉट अंडर एफ टिल्डे इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉट. तो ये तो हमारी स्टेटमेंट थी. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमें हर नॉन जीरो एलिमेंट एक्स नॉट ऑफ एक्स के लिए हमें क्या मिलेगा, एक्स जी नॉट मिलेगा. कहाँ से, ड्यूल स्पेस ऑफ वाई से, सच दैट नॉर्म ऑफ जी नॉट इज 1 एंड जी नॉट ऑफ टी एक्स इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी एक्स नॉट. ठीक है, वहाँ पे एक्स नॉट था, यहाँ पे टी एक्स नॉट है, बस एफ टिल्डे के प्लेस पे हमने जो नया फंक्शनल लिए हैं दैट इज जी नॉट. सो हियर जी ऑफ टी एक्स नॉट इज इक्वल्स टू, ये किस टाइप से डिफाइन किया हुआ है, टी स्टार टी एक्स जी नॉट ऑफ एक्स नॉट. किसकी डेफिनेशन से, टी एक्स की डेफिनेशन से. सो राइटिंग एफ नॉट इज इक्वल्स टू टी एक्स जी नॉट, टी एक्स जी नॉट के प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, एफ नॉट. तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्म ऑफ टी एक्स नॉट इज इक्वल्स टू जी टी एक्स नॉट एंड जी टी एक्स नॉट इज वॉट, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ नॉट एक्स नॉट. डन, एक और चीज़ आ गई, यहाँ पे भी नॉट है. ठीक है, तो ये क्या आ गया, लेस देन और इक्वल्स टू एफ नॉट के नॉर्म विथ नॉर्म ऑफ एक्स नॉट. तो एफ नॉट की वैल्यू लगा दी, फिर दोनों के ऊपर ये नॉर्म सेपरेट कर लिया, तो लेस देन और इक्वल्स टू का साइन. देन नॉर्म ऑफ जी नॉट, नॉर्म ऑफ जी नॉट इज 1, तो इसको 1 पुट किया तो सिर्फ ये दोनों टर्म्स रह गए. हेंस फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग्स टू कैपिटल एक्स,
we have norm of tx naught is less than or equals to norm of tx into norm of x naught. अभी पहले हमने जो बात की थी यहाँ तक मैंने क्या बोला था कि नॉन ज़ीरो x के लिए, क्योंकि जो हान बनाक थ्योरम है वो बोलती है हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ x के लिए ये चीज़ होल्ड होगी. तो उसको सॉल्व करते करते हमें मिला कि नॉन ज़ीरो x के लिए ये होल्ड हो रहा है. अभी मैंने लिखा फॉर एवरी एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू एक्स, दैट मीन्स अब मैंने ज़ीरो भी इंक्लूड कर लिया. ज़ीरो कैसे इंक्लूड कर लिया? ज़ीरो हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि टी ऑफ ज़ीरो ज़ीरो ही आएगा, उसके लिए इनइक्वालिटी वैसे ही होल्ड हो रही है. ठीक है, सो हेंस टी इज इक्वल्स टू टी नॉट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेंट सच दैट, ये सबसे छोटा वाला कॉन्स्टेंट बनेगा, सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स नॉट इज लेस देन और इक्वल्स टू सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स नॉट दैट होल्ड्स फॉर एवरी एक्स नॉट बिलोंगिंग टू एक्स. सो हेंस नॉर्म ऑफ टी एक्स कांट बी स्मॉलर देन नॉर्म ऑफ टी. तो अगर ये इससे स्मॉल नहीं हो सकती तो इनके बीच में ग्रेटर देन का साइन आएगा. सो नॉर्म ऑफ टी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ टी. तो हमें ये तो प्रूफ करना था, लेस देन हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे, अब हमने ग्रेटर देन प्रूफ कर दिया. सो बाय कंबाइनिंग वन एंड टू वी हैव कि दोनों की नॉर्म सेम है, और दोनों की नॉर्म सेम है तो क्योंकि टी बाउंडेड था तो टी स्टार भी बाउंडेड होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.